खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो विकास की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा कार्ड खेला है। महाराष्ट्र के माढ़ा में प्रधानमंत्री की रैली और पीएम ने इस रैली में कहा पिछड़ा होने की वजह से कांग्रेस ने उन्हें गालियां दी। तो देखिए किस तरीके से पिछड़ा कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में खेल रहे हैं। जाने जाते हैं विकास की राजनीति के लिए, लेकिन चुनावी रैली में महाराष्ट्र के माढ़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं क्योंकि वो पिछड़े हैं इस वजह से कांग्रेस उन्हें गालियां देती है। खुद को पिछड़ा बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कह रहे हैं चुनावी रैली में क्योंकि वो पिछड़े हैं इस वजह से उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। सुनिए, कह रहे हैं कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। तो सुना आपने किस तरीके से वो राजनीतिक हमले जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए किए जा रहे हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ों की अस्मिता से जोड़ रहे हैं। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी लगातार हमले बोलते रहे, कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर पलटवार किया था और आज तो बाकायदा पिछड़ा कार्ड खेल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुनाते हैं आपको जरा राहुल गांधी कैसे मोदी सरनेम को लेकर लगातार बयान देते रहे, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते रहे। सवाल यह है कि क्या ये हमले कांग्रेस पर अब बैकफायर करेंगे? भाई और बहनों, आपने नीरव मोदी का नाम सुना है? ललित मोदी का नाम सुना है? नीरव मोदी को नरेंद्र मोदी भाई कहते हैं। आपने टीवी में देखा होगा मेहुल भाई, नीरव भाई। अच्छा मुझे एक बात समझाओ, इन सब चोरों के नाम मोदी क्यों है? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान और अब सवाल यही कि इस तरीके के जो राहुल गांधी के बयान है क्या अब वो कांग्रेस पर बैकफायर होंगे, क्योंकि अब आक्रामक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन्हीं बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस पर यह कहकर हमले कर रहे हैं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं इस वजह से कांग्रेस पार्टी उन पर हमला कर रही है। सुनिए जरा किस तरीके से चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा कार्ड खेला कि जिसका भी नाम मोदी है वो सारे चोर क्यों है। भाइयों बहनों, पिछड़ा होने की वजह से हम पिछड़ों को अनेक बार ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ी है। अनेक बार कांग्रेस और उसके साथियों ने मेरी हैसियत बताने वाली, मेरी जाति बताने वाली गालियां देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इस बार वो इससे भी आगे बढ़ गए हैं
और पूरे पिछड़े समाज को ही चोर कहने लग गए हैं। अरे मुझे गाली दो, मैं कई वर्षों से बर्दाश्त करता आया हूं, कर लूंगा, लेकिन चाहे चौकीदार हो, समाज का पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, अगर किसी को भी आपने अपमानित करने के लिए चोर कहने की हिम्मत की तो मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश बर्बाद नहीं करेगा। दरअसल मोदी सरनेम को लेकर बीजेपी हमलावर हो रही है। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी भी कर चुके हैं इसी मामले में। जिस चारा घोटाले मामले में लालू यादव सजा याफ्ता हैं, उनके खिलाफ मुकदमा किसने किया था, तेजस्वी यादव के संपत्तियों का ब्यौरा किसने दिया, उसके बाद अब भी उन पर मुकदमा चल रहा है। अब एक और मुकदमा करने वाले हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, और ये मुकदमा है राहुल गांधी के खिलाफ। आप राहुल गांधी के खिलाफ क्यों मुकदमा करने जा रहे हैं? देखिए, 13 अप्रैल को कर्नाटक के अंदर एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि क्या कारण है कि जितने चोर हैं सारे का सरनेम मोदी है, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे देश के अंदर मोदी उपनाम वाले या सरनेम वाले जितने लोग हैं सब चोर हैं। तो ये तो मोदी टाइटल वालों का अपमान है, क्यों, नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है। देश के अंदर लाखों लोग हैं जिनका टाइटल मोदी है, और ये कहना कि जितने चोर हैं वो सभी मोदी क्यों हैं, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मेरे वकील ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कल शायद छुट्टी, इसलिए कल अगर फाइल नहीं कर सका तो परसों मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा कि राहुल गांधी ने देशभर के मोदी उपनाम वाले जो लोग हैं उनको चोर कहा है, जिससे हम लोग की प्रतिष्ठा गिरी है। और देखिए, जो नीरव मोदी आज अगर इंग्लैंड की जेल के अंदर बंद हैं तो उनको बंद करवाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, और नीरव मोदी का अलीबाग में 25 करोड़ से ज़्यादा का जो बंगला है उसका डायनामाइट लगाकर उड़वाने का काम वर्तमान सरकार ने किया। तो जो और वही देखिए, तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, वो भी ट्वीट करके इस मामले में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सुशील मोदी को। वो कह रहे हैं कि देश का लाखों करोड़ रुपया लूटकर भागने वाले और लूटकर भागने वाले एक ही वर्ण और जात बिरादरी के हैं। इन भगोड़े डकैतों चोर लुटेरों में एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान नहीं है, तो देश के महाचोर, खानदानी ठग लुटेरे किस डकैत जमात के हुए? बोलो रे छाती पीटने वाले ठगों, सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि देश का लाखों करोड़ रुपया लुटाकर भगाने वाले, लूटकर भागने वाले एक ही वर्ण जात बिरादरी के, और साथ ही ये कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान नहीं है ये। तो बड़ा सवाल, बड़ा हमला जो तेजस्वी यादव की तरफ से बोला गया है बीजेपी पर।